वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज अब हम सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं कि स्टॉक आज यहाँ पे 10 लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले, पर गिरावट के पहले देखी जाए तो चौपी सी मूवमेंट नजर आ चुकी है आज फिर से एक बार सुजलॉन स्टॉक के अंदर। तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 10.05 लेवल थी, आज ओपन हुआ था स्टॉक तकरीबन हल्का सा गैप अप से, पर जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लेके स्टेबल था। फिर प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेक डाउन करने के बाद वही प्रीवियस क्लोजिंग रेजिस्टेंस एक्ट होने लगी थी यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के लिए। एंड ऑफ द डे में उसी के प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था स्टॉक। मार्केट कैप जो है 14.56,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो 4.66, जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा पी रेशियो भी है अभी भी सुजलॉन स्टॉक के अंदर। पर लास्ट 5 डेज में देखा जाए तो स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाई दी, चौपी सी मूवमेंट 10 लेवल एक सपोर्टिव एक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम देखा जाए आज के दिन सुजलॉन स्टॉक के तो 4.66 करोड़ के वॉल्यूम जनरेट हो चुके हैं। ट्रेडेड वैल्यू 4676 लाख की ट्रेडेड वैल्यू भी देखने को मिले। तो देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात की जाए तो 3.95 करोड़ में से 1.85 करोड़ क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए जा चुके, कुल मिला के 46%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि तकरीबन चार्ट के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे तो यहाँ पे इस मंथ में तो स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ही वीक और बेरिश मूवमेंट नजर आ चुके हैं, क्योंकि देख सकते जैसे स्टॉक ओपन हुआ था इस मंथ में मंथली पीरियड को ब्रेकआउट किया और उसके बाद जो 10 लेवल पे के करीब आके यहाँ पे रिसेंटली 10 लेवल का सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से। पर 10 लेवल को ब्रेकआउट होते तो नीचे 9.50 टू 9 लेवल, ये दो सपोर्ट लग सकते हैं सुजलॉन स्टॉक के लिए।